कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि विनेश फोगाट बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो केसी वेणुगोपाल ने सदस्यता दिलाई है दोनों को। हरियाणा की गौरव है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया शामिल हुए हैं कांग्रेस में। आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे। जालौन से बड़ी अपडेट आपको बता रहे, चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। जालौन से आपको बड़ी अपडेट बताए, जहां लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, खुलेआम चोरी हो रही है, लेकिन लगातार चुनौतियों के बावजूद पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। अज्ञात चोरों ने दुकान को सीधे तौर पर निशाना बनाया। दुकान से चोरों ने सोने के आभूषण चोरी किए हैं। 2 लाख से ऊपर की नकदी और जेवरात चोरी किए गए। चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटी। कठौन थाना क्षेत्र के ग्राम मदारीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साइड से दवालपुर के बदमाश घुसाए थे रात में, तो यहाँ देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। तिजोरी भी दुकान में रखी है, वो भी खुली पड़ी थी। तो पापा ने फोन किया, हम लोग यहाँ आए तो देखा कि यहाँ दुकान में काफ़ी सामान नुकसान हो गया, दवाइयाँ भी काफ़ी चली गई। और तिजोरी में सेंटर लॉक सिंगल लगा हुआ था, तो उसमें से कैश रखा था 2,32,000 रुपये, 700 ग्राम लगभग चांदी थी और 6-7 ग्राम पुराना सोना था। इतना सामान तिजोरी से चला गया और लगभग 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में दवा का नुकसान हुआ। दवा का कंफर्म नहीं कर सकते। धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जालौन में बड़ी बैठक का आयोजन था, जिसमें मंत्री शामिल हुए, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विधायक मौजूद रहे। जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जालौन से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विधायक मौजूद रहे। कड़ाधाम के दिखा जंगली जानवर कौशाम्बी से बड़ी अपडेट। लगातार आतंक देखने को मिला जंगली जानवरों का। जंगली जानवर दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। जंगली जानवर को भेड़िया बता रहे ग्रामीण। बहराइच में जो एक तरफ लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला, इस बीच कौशाम्बी से बड़ी अपडेट, जहां लोगों ने भेड़िया होने की आशंका जताई। अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में आग लगी है। कुशीनगर में आग की घटना सामने आई है, जहां आपको बता दें कि महिला बुरी तरह से झुलस गई है, जबकि 15 बकरियों की जलकर मौत की जानकारी। झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। तमकुरी राज थाना क्षेत्र के कोवापट्टी का मामला बताया जा रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, बबीता चौहान है महिला आयोग के अध्यक्ष। बबीता चौहान ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अपर्णा यादव की नाराजगी पर मुहर लगी। आला कमान से बड़ा पद चाहती है अपर्णा यादव। महिला आयोग के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वकीलों ने सड़क पर जाम लगाया। बिजनौर में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। काशगंज में महिला अधिवक्ता की हुई हत्या के विरोध में है वकील। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज वकीलों ने जाम लगाया। बिजनौर के सैकड़ों वकीलों ने हिस्सा लिया। बिजनौर के जजी चौक पर लगाया वकीलों ने जाम। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।